हेलो फ्रेंड्स, दिस इज योर होस्ट रचित पंगाल। आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। भाई आज का व्लॉग एक नंबर होएगा, जैसे कि पिछले होते हैं। और वीडियो को अभी कभी लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। चलो चलो हरि हरि हरि, आ जाओ ऊपर आ जा। ये देखना कहाँ बैठी है हेला, कहाँ बैठी है हेला, ठगी मनुष्य कहे। ले भाई थोड़ू भी आ गया। चलो मैंने सोचा क्यों ना हेला को भी खाना देना था, और आप लोगों ने कभी देखा नहीं हेला को खिलाते हुए, तो आज भी हेला को खाने की वीडियो बनाते हैं। खाने की नहीं, हेला को खिलाने की। तेरा नहीं है बेटे, ये तेरा नहीं है थोरू। हेला नाम बोलते ही आदमी को आना ही आना है। थोर सेट सेट बैठे हमें, तेरे को खिलाया ना अभी अभी, बैठे हमें बैठे सेट सेट। हाँ मेरे पैर पे नहीं बैठना था, बैठा बैठा। वो कहा है, उसको बुला के ला थोर, हेला को बुला के ला। हरु जा, हेला को बुला के ला, भाग के जा। ये इसका पैकेट है हेला का, और ये 2 से 12 मंथ के बीच के बच्चों का है, देख लो आप, यू कैन सी दिस। और ये किटन कंपनी का है। हाँ किटन कंपनी का है, विद टूना फिश इन जेली। 85 ग्राम का है ये, हम 4 हिस्सों में खिलाते हैं, क्योंकि अभी ये जितनी है उस हिसाब से इतना ही खिलाना होगा। ड्राई फीड दूसरी है, वो इसके बर्तन में 24 आवर्स रहती है, बट ये वाली जो है ना, ये ग्रेवी वाली, ये खिलानी पड़ती है इसको, क्योंकि मॉइस्चर नहीं मिलता ना फिर। आगे मैडम सुन लिया होगा इसे। अरे हेला अरे दिखाओ इसके लिए। इधर ही ना हेला को देख लो। अरे तू ये ले, चाकू ले, तू नहीं मानेगा। ये ना हेला, खा ले खा ले बेटा, थोरी की ट्रीट लाओ। मैं लो भाई, थोरी की भी ट्रीट आ गई। थोर सेट 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 सेट। हाँ बेटा इधर आ जा। ये कैसे बैठे? ये देखो हेला को इतना पसंद है खाना, सारा चट कर गई है मां ने, और थोर इसका पैकेट चाट रहा है। थोर तेरे को तेरी ट्रीट दी है ना, पर नहीं, जब हम हेला का नाम लेते हैं, हेला नहीं आती। हेला आए ना आए वो तो बात की बात है, थोर पहले आता है। और आज कल पता क्या हुआ भाई, कल का इंसिडेंट मानो आपको दे गई खबर, हेला भाग गई थी हमारे घर से। क्या हुआ था मानो कल? मैं तो मम्मी के हिसाब से मम्मी ने ये क्या नाम इसका हेला पापा को दे दी थी, और फिर मम्मी को ये दिखी नहीं, तो पापा पे सारे इंजाम लगा दिए गए। क्या उन्हें बेचारी बच्ची काट दी ना, यूं कर दिया ऐसे हो गया। बोले उठ लो बेशर्मो, शर्म नहीं आती, वो बच्ची घूमगी ढूंढो। मैं और पापा बेचारे पूरे घर में ऊपर नीचे आंदे नहीं मिली। फिर मैंने मतलब ये जुम्मा उठाया कि मैं कन्नू को बताती हूँ। मैं जा रही के गेट पे जाके बोली और भी लिखूंगी। मेरे को ऊपर आ गए, मैं ऊपर था भाई, ऊपर मेरे दोस्तों का फोन आया था, मैं उनसे बात कर रहा था। ये जाली पे गेट पैसे से करके कन्नू बिल्ली घूमोगी, अपनी बिल्ली घूमोगी। मैं सोचा मजाक करिए, मैं कैसे थोड़ी घूम हो सकती है बिल्ली, मैं कहा थोर आज तक घूम नहीं हुआ। पर भाई वो ये कहती सच में घूम हुई। फिर मैं नीचे पूछने आया मम्मी, और कहते हाँ सच में कि ढूंढ लो निकल लो ये वो। मम्मी कहती बाहर जाके देखो। फिर आगे मालू क्या हुआ? सडनली क्यों, तो पापा को तो नीचे भेज दिया भाई। पापा तो बाहर गली में ढूंढ रहे हैं, मैं मानू सबसे ऊपर टॉप फ्लोर पे ढूंढ रही है, मैं पैडियो में और मैं हर जगह ढूंढ रहा हूँ। और मम्मी कहती मैंने कहा था पापा को कि ध्यान रखो, पर ध्यान नहीं रखते, मेरी बात तो सुनते ही नहीं है ये। सडनली मम्मी को याद आया कि मम्मी ने तो दलिया बनाया, और दलिया निकालने के लिए ड्रॉर खोली थी, और ड्रॉर खोलते ही ये बदतमीज शरारती बच्ची, बदतमीज तो क्या यार, ये पता क्या, ये ड्रॉर खोलते ही उसके अंदर ड्रॉर के अंदर चली गई, और मम्मी ने ध्यान दिया नहीं, मम्मी ने ड्रॉर बंद कर दी। दिखाता हूँ कौन सी ड्रॉर थी। मम्मी जी आपकी चर्चा हो रही है,
क्या करा था आपने अल्लाह के साथ? मैंने छोड़ना करा था, मैं तो दलिया निकल लेता हूँ यार, यहाँ मैंने यहाँ से दलिया यहाँ रखा था पैकेट, यहाँ से निकल रहा हूँ मैडम नीचे घुस गई और वो आपने बंद कर दिया। तो मेरे को ध्यान नहीं दिया, मैं तो मेरे दिमाग में तो पापा के पास खेल रही है। अरे आपने इंजाम लगा दिया पापा के ऊपर की आप बच्चे को संभाल नहीं सकते। मैंने तो खेलने खातर मैं आपस में खिला रहे हो। अरे ये पूरी तेज है चंट है या है नहीं मम्मी? उधर से दिमाग मारिए 15 मिनट में तो राम राम से तो है। हेला ऐसे मत भागा कर कहीं भी। पापा जी आप पे कल मम्मी ने एक इंजाम लगाया था, क्या इंजाम था वो? जनता जानना चाहती है। जनता जानना चाहती, जनता तेरी मम्मी ने मेरे पे इंजाम लगाया था कि हेला भागी और आपकी वजह से भागी, दरवाजा खुला रह गया या जाली वाला और बोला हेला भागी। तो हमने सारे परिवार ने नीचे ऊपर ज्यादा देखना था, देख लिया बाहर पापा गाड़ी के नीचे देखने जा रहे हैं, बाहर देखना गया लेकिन वो मैंने बता दिया कहाँ मिली है, फिर पता लगी कहाँ मिली और रसोई में थी। चलो वो तो शुक्र है कि मिल गई, थोड़ी देर और नहीं ढूंढते तो बस फिर वो अंदर ही पावर ज्यादा उसका तो काम तमाम। यार ये ना बहुत तेज भागती है मिंडक्सी और पता भी नहीं चलता रहा। पापा जी दरवाजा खोलने से पहले ये बाहर मिल जाती है, दरवाजा खोलने से पहले अभी भी पता नहीं कहाँ पहुंच रही है ये। हेला कहीं ये देखिए थोर के साथ रहेगी अपने भाई के साथ, देख रहा पापा कैसे बैठी है और उल्लू की तरह देखती है, उल्लू की तरह। क्या है सबसे बड़ी बात? कितनी तेजी से भागती है ये देखो खोल दे अंदर सेट हो गया तो शुरू है कि पता लग गया नहीं तो इसकी साइज फूल जाती है, दोबारा से फूल रहा था इसको। मम्मी भी मैंने ही देखा था मम्मी कैसे निकालती, आई जल्दी से एक बार देख तो लू आड़ा देखी आगे खड़ी पाई थी। दस मिनट तो पोचा लगा लिया था मैंने, उसके बाद इसको इसमें रोक के बात चली, पोचा लगने के बाद मैंने ढूंढी मैं आपके पास थी कहाँ गई वो। ये पूरी शिकारी है, भागती रहती है हर जगह और ये उल्लू जैसा मुंह है इसका। दलिया तो रख दिया था मैंने, दलिया रखने के बाद ही पोछा लगाना स्टैंडिंग से लगाया था। इसकी तो किस्मत थी, लाइफ थी इसकी, जिंदगी थी, बच गई नहीं तो बचने का कोई फायदा नहीं था। अब ध्यान रखेंगे हम इसका आगे, सारे जड़े अपने नीचे ढूंढते जाते ऊपर ढूंढते जाते और टाइम निकल जाता इतनी गर्मी में। ये काम तूने भी करा था एक बार बचपन में? क्या कुकर कूलर का नीचे बैठा था सारा घर डुबा दिया था, इस बिल्ली की तरह शरारती था पूरा हल्ला की तरह और शरारत करके ना दादी ने कह दिया तेरी मम्मी बताओगी और मैं आई मार्केट से कन्नू तो तीसरी मंजिल पर कूलर के नीचे बैठा और मैं ले आई आइसक्रीम, मैंने कहा कन्नू 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 हो तो मिले और कन्नू का जी भी करा आइसक्रीम खाने ला ऑर्डर था बार भी बनी कूलर था। फिर मैंने कहा कि मैं कन्नू गया कहाँ पे, दादी ने बताया बोले ऐसे ऐसे शरारत करा था गड़ी के कुत्ते ने छोटे कुत्ता टा गया ऊपर। हाँ मुझे याद है मैं कुत्ता खा लाया था गली में, कई कुत्ता था और दादी ने कहा कि तेरी मम्मी से पिटवाऊंगी तुझे। 5-6 साल का था उस टाइम, तो 5 साल का ही था। हाँ फिर मैंने पूरा घर ढूंढ लिया, सारे पड़ोसी लग गए सारे पीछे मार्केट में आ रहे थे रेंट पे देवी बनवाल मकान में, तीनों घर वो लग गए जिनके रहा करते अपन कन्नू आ जा बेटा कुछ नहीं कहूंगी आ जा बेटा बाऊ खा जाएगा और को पीछे जाड़े थे। फिर दादी ने मिला तू रोन लग रहा बोल को नहीं सुबह सुबह की बोली ए मिल गया रेखा आ जाए। फिर मैंने कल जमानू छाती का लगाया पूरा, फिर पूछा भी तू ऐसे क्यों छुपे, बोले मम्मी में डर गया था कि यहाँ मार दे मेरे। और मैं कौन सी क्लास में था जब? अरे क्लास कड़े LKG UKG में था मेरी, 5 साल का तो था ही सारा। तो मैं कब से शरारते कर रहा हूँ इसका मतलब? दो पेट से ही पेट में रहता तेज गर्म। और ये बहन जी भी नुए थी तेज गर्म, ये तो एक इसकी एक वो थी इसकी डोल ममता नाम था उसका, ममता इसको क्रेच में छोड़ते थे और ये ममता को पहले सुलाती थी अपने पालना में या खुद बाद में सुलाती। हमारे घर में मछली आने लाने वाली ये थी सबसे पहले, पापा के साथ रोने लगी कि पापा जी मुझे वो जो हमारे घर में भी भाई गली जो नहीं होता है बोतलों में रखे रखते हैं और उसमें 4-5 मछली रखते हैं सड़क के साइड में होती है
वो लेके आई थी महारानी सबसे पहले। ऊपर बैठे हैं भाई, ऊपर मस्त मौसम हो रहा है, शायद हवा की वजह से ऑडियो खराब हो रही होगी, बट देख लो मजा आ रहा है। हेला अपने नाखून टाइट करने में लगी हुई है, थोर इसको देखने में लगा हुआ है, और थोर को जब तक टेस्ट नहीं आता जब तक ये गमले में से पानी ना पी ले। इसकी कोल्ड ड्रिंक है भाई वो अपने लिए, है ना पापा जी, कुछ अलग है इसके लिए। नीचे से इतना पानी पी के आया था, पर ऊपर आके फिर गमलों में से पानी पिया। हेलो, अभी सैला पे ध्यान देना पड़ेगा, हम अपनी नजरों के आगे रखते हैं इसे, नहीं भाग जाएगी। एक तो वाइट है ना, मैली हो जाती है ना पापा जी, मैली जल्दी हो जाती है, मैली जल्दी हो जाती है। शरारती बहुत है यार, बहुत ज्यादा शरारती है। एक जगह तो टिक के बैठा ही कौन है, थोड़ी देर इसको छोड़ दो, कहीं ना कहीं कोने में फंसी पाओगे। देखो मौसम मस्त हो रहा है ना।